हनुमान चालीसा विवाद में सांसद नवनीत राणा और पति रवि राणा को राहत मिली है। मुंबई की स्पेशल कोर्ट ने मामले में फैसला सुनाते हुए दोनों को जमानत दे दी। इससे पहले स्पेशल जस्टिस आर एन रोकड़े ने सोमवार के लिए आदेश सुरक्षित रख लिया था, लेकिन आज देश आदेश इसलिए नहीं दिया जा सका क्योंकि अदालत अन्य मामले में व्यस्त थी और राणा दंपत्ति के जमानत आदेश से संबंधित शूट लेख पूरा नहीं हो पाया था। राणा दंपत्ति के वकील की अपील के बाद नवनीत राणा को भाईखाला जेल से जेजी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। इससे पहले नवनीत के वकील ने खराब तबीयत का हवाला देकर जब प्रशासन से इलाज मुहैया कराने की अपील की थी, वकील के अनुसार नवनीत राणा स्पोंडाइलिटिस से जूझ रही हैं। उन्हें सीटी स्कैन कराने की सख्त जरूरत है। इसके साथ ही पत्र में लिखा गया कि लगातार और लंबे वक्त तक फर्श पर बैठने और लेटने के कारण उनका दर्द और बढ़ गया। वकील ने अपने पत्र में लिखा था कि स्पोंडाइलिटिस के इलाज के लिए सीटी स्कैन जरूरी है, ऐसे में उन्हें जज अस्पताल ले जाने की अनुमति दी जाए, नहीं तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ सकती हैं। बताते चले कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बांद्रा स्थित निजी आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने की सार्वजनिक घोषणा से उत्पन्न विवाद में निर्दलीय लोकसभा सदस्य नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को 23 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।